हालेलुया, स्वागत है आप सब का मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के वचन से कोई भी ऊपर नहीं है। जैसा कि भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 138 उसकी 2 आयत में लिखा है, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। मेरे प्रियो, जब भी आप किसी की गवाही को सुनते हैं तो 90% गवाही में आप यही सुनते हैं कि हमने परमेश्वर के वचनों को सुनना शुरू किया और परमेश्वर ने हमें चंगा किया और आज हम इसी कारण गवाही के साथ हैं। आज लोग शिकायत करते हैं कि हमारी चर्च में लोग आते हैं लेकिन कोई भी ठहरते नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी चर्च को चंगियाई और भविष्यवाणी पर नहीं चला सकते। नहीं तो लोग आपके चर्च में चंगियाई लेंगे और भविष्यवाणी ग्रहण करेंगे और चले जाएंगे, लेकिन अगर आपकी चर्च में वचन की शिक्षा है, वचन का ज्ञान है और फिर इसके साथ पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण होना चाहिए, क्योंकि जो कोई वचन को सुनता है और वो अपने जीवन में वास्तविक रूप से पूरा होते हुए देखता है तो वो चर्च ज्यादा बढ़ती है और उसके लोग दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा बढ़ते हुए नजर आते हैं। मेरे प्रियो, आज लोग अपनी गवाही को तभी आसानी से ले पाते हैं क्योंकि वो वचन को सुनते हैं, क्योंकि वचन को सुन सुन के आधार बन चुका है, क्योंकि वचन को सुन सुनकर उनका आधार बन चुका है और एक दृढ़ता बन चुकी है कि प्रभु यीशु मसीह, तू चंगा कर या ना कर, तू ही मेरा परमेश्वर है। जब वचन आपके जीवन में घर करता है तो वचन आपकी चंगियाई को बना के रखता है। वचन के बिना जो आशीषें आपके पास आती हैं उसके चले जाने का खतरा है। क्यों? क्योंकि जिस प्रार्थना से आपने उसे लिया है उसी प्रार्थना से वो आशीषें संभली रहेंगी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि अविनाशी बीज से तुम्हारा जन्म हुआ है। जब आपका जन्म वचन के द्वारा होगा तो आप अविनाशी होंगे और आप कभी नाश नहीं होंगे और सदा ठहरे रहेंगे। जब आपका सारा ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर होता है तब आप अपनी चंगाई और आशीषों की तरफ जाते हैं। बाइबल कहती है कि अगर तू परमेश्वर और उसके धर्म राज्य की खोज करे तो तू सब वस्तुओं को हासिल करेगा। असली आत्मिक लोग वही हैं जो हमेशा बढ़ते जाते हैं। जैसे याकूब ने अपना सारा ध्यान परमेश्वर के वचनों पर लगाया और अपने मामा लबान की भेड़ बकरियों को बढ़ाने वाला हुआ, क्योंकि वह अविनाशी बीज से जन्मा था। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप आशीषित होना चाहते हैं और अपने आप को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो अपना सारा ध्यान परमेश्वर के वचनों की ओर लगाएं और प्रार्थना में वचन में बढ़ते जाएं, तब आप ऊंचे किए जाएंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं पवित्रता में चलकर विश्वास में बना रहूँ और आपके वचन के द्वारा मेरी बुद्धि की कमर कसी रहे ताकि मैं आशीषित होने पाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।